सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम अर्णव गर्ग और आप देख रहे हैं फूडी ब्रदर्स देखे। सो गाइस, आज जो वीडियो होगी वो हम लोग की होगी ब्रिक हाउस में, जो गोला का रेस्टोरेंट है। आज हम लोग वहाँ जाने वाले हैं और बताएंगे कि आज हम लोग क्या करेंगे। सो गाइस, जो हम लोग जो चीज़ें करने वाले हैं वो है दो चीज़ें, एक है कंपेरिजन और उसके अंदर रिव्यू। दोनों चीज़ करेंगे। कंपेरिजन जो होगा वो होगा तंदूरी मोमोज और मोमोज में, जो स्टीम मोमोज नॉर्मल मिलते हैं। स्टीम मोमोज 70 के हैं और वही तंदूरी मोमोज 100 के, दोनों में 8-8 पीस मिलते हैं। तो देखेंगे क्या चीज़ें ऐसी, दो चीज़ें हैं जिनमें अंतर आ रहा है 30 रुपये का, क्या कुछ तंदूरी मोमोज अच्छे हैं या फिर स्टीम मोमोज। तो गाइस दोनों चीज़ें खाएंगे और बताएंगे। तो गाइस एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाला हूँ मैं आज। जैसा कि गाइस हम लोग के आपने देखा 300 सब्सक्राइबर होने वाले, 287-288 है। अब जो वीडियो डालेंगे तब तक पता नहीं कितने हैं। तो गाइस मैं और हम लोग के चैनल को एक साल होने वाला है 22 अगस्त को, हमारी पहली वीडियो पड़ी थी और अब हो गया जाने वाला है 7-8 दिन रह गए हैं। तो गाइस मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी हमारे 300 सब्सक्राइबर करिए। तो उसके लिए भी मैंने एक चीज़ करी है, मैंने क्या किया है, जो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएगा, मेरी इंस्टा पे आईडी arnavgarg19 या फिर एक फूडी ब्लॉगर्स के नाम से है, उसको आप जाके क्या कर सकते हैं, चैनल पे जाइए, अबाउट पे जाके इंस्टाग्राम लिखा होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आप डायरेक्ट हमारे पेज पर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पर आप हम लोग को क्या करिए, जो आपको जैसे आपने किसी से अपने फ्रेंड से कहा कि भाई इसका चैनल सब्सक्राइब करो, उससे फिर आप स्क्रीनशॉट मंगवा लीजिए और मेरे को सेंड कर दीजिए किसी भी आईडी पे। दोनों पे मैं एक्टिव मिलूंगा, किसी भी टाइम पे मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा। किसी ने भी सपोज करो किसी ने मेरे को भेजा, उसने मेरे को 3-4 वो भेजे कि स्क्रीनशॉट कि इनसे मैंने आपको सब्सक्राइब कराया है, और मैं जैसे सबसे हाईएस्ट 5 स्क्रीनशॉट आ गए। तो गाइस उसको मैं अपनी खुद वीडियो बुलाऊंगा, अगर वो लोकल का हुआ, जैसे वो गोला के अंदर हुआ तो मैं उसको स्पेसिफिक जगह बता दूंगा, आप वहाँ आ जाइए और वहाँ पर हम लोग बुला लेंगे उसे। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो की 10 दिन या 15 दिन जब भी आएगी तो हम वो हमारे साथ। आ चुके हैं यहाँ पे और जैसे कि आपने देखा अच्छा खासा बना हुई हुआ है पूरा। तो गाइस आज जो हम लोग हैं बेसिकली दो चीज़ों का कंपैरिजन करने वाले हैं, वो है स्टीम मोमोज और हमारे तंदूरी मोमोज, जो यहाँ के सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं तंदूरी मोमोज। तो हम यही चीज़ का डिफ्रेंशिएट करेंगे और बताएंगे कि विच वन इज़ बेटर। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर ये है तंदूरी मोमो और ये है स्टीम मोमो। तो गाइस दोनों का हम लोग कंपेरिजन करने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं जो सलाद है जैसे हम प्याज बोलते हैं सिल्के वाले और इसमें नॉर्मल है। तो एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये 100 का इसलिए है, और दोनों में आप कंपेरिजन करेंगे 8 पीस आते हैं दोनों में, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। जैसा कि आपको देख रहे हैं आप लोगों ने पूरी तरीके से सलाद का अंतर है और दोनों में पीसेज इक्वल। तो गाइस अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे दोनों में और बताएंगे। इसमें आपको चटनी भी देखिए, इसमें आपको मोमोज के साथ जो चटनी मिलती है वही है, शेजवान है, फिर नॉर्मल जो चटनी मोमोज से मिलती है लहसुन की वो है, और इसमें आपको ग्रीन चटनी मिलेगी। तो गाइस चलिए अब हम लोग दोनों का कंपेरिजन करेंगे और बताएंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों देखिए एक मोमो, स्टीम मोमोज और तंदूरी। गाइस देखने में तंदूरी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वैसे मैंने स्टीम मोमोज जाके खाए हुए हैं, खाने में स्टीम मोमोज बहुत बढ़िया लगते हैं। चलिए स्टार्ट भी इसी से करेंगे। स्टीम मोमोज और वाइज अच्छे हैं, बहुत बार खा चुके स्टीम मोमोज से, तंदूरी अभी तक नहीं खाया। तो पहले स्टीम ख़त्म करेंगे उसके बाद तंदूरी का भी टेस्ट करते हैं। और गाइस नॉर्मल सॉस जो आती है वो है केचप, तंदूरी का तो स्टीम का कोई जवाब ही नहीं है। अब हमारे हाथ में है तंदूरी मोमोज, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया लग रहा है, खाइए। मैं बेसिकली एक बाइट में आपको अंतर बताता हूँ क्या अंतर है। तंदूरी मोमोज जो जिसको तंदूर में रखा जाता है, तो ये देख सकते हैं इसकी जो बॉडी है, बॉडी जो है इसका स्ट्रक्चर है बहुत टाइट हो गया, मतलब जो किसके साथ अच्छा टेस्ट आता है वो इतना आ रहा है।
और मोमोज जैसे नॉर्मल थे तो आराम से दब जाता है, और इसमें अंतर ये आ गया कि क्रिस्पी हो गया तो बहुत टेस्टी लग रहा खाने में, और इस पर अलग सी ग्रेवी भी लगी हुई है जो टेस्ट को और बेटर कर रही है। तो गाइस अभी तो मैंने बताया, अब मेरा भाई बताएगा, देखते हो उनको उसमें और मेरे में क्या अंतर आता है। गाइस अब मैं बताता हूँ कि कैसा है। गाइस पहले स्टीम मोमोज खाने वाले मैं दोनों चटनी को बताऊँगा कि कैसा टेस्ट बताते हैं, कैसे कौन सी चटनी में अच्छा लगता है। तो मतलब सॉस के साथ देते हैं, जैसे हमने इन्होंने हमको सॉस दी है चटनी दी, तो हम सॉस के बताते हैं कैसे आपको। गाइस देखिए सॉस का अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जिसको स्पाइसी पसंद है उसको यह सॉस का अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ा मीठे मीठे बेस में ही चला जाता है, क्योंकि सॉस है तो वो मीठी होती है, तो इस तरह मीठा चला जाता है। हम बोलते हैं चटनी से, तो देखते हैं कैसे होता है। गाइस चटनी अच्छी है, स्पाइसी भी अलग है, हल्की सी खट्टी है जो बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन खट्टी है, पसंद आई मैं ये नहीं कहना, लेकिन खट्टी रहती है। तो मुझे मैं बताऊँ तो मुझे दोनों में से चटनी के साथ अच्छा लगा। अब हम करते हैं मोमोज। गाइस हम तंदूरी मोमोज में गाइस हमको प्याज की भी स्टफिंग मिलती है, सिर्फ हमको ऐसे नॉर्मल नहीं मिलता, प्याज की भी स्टफिंग मिलती है। तो हम पहले सॉस के साथ खाके देखना चाहता हूँ मैं तंदूरी मोमोज कैसा लगता है, चलो देखते हैं। गाइस मेरा ओपिनियन है सॉस से तंदूरी मोमोज मिलता है, क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं है, मैं सबसे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता टेस्ट, लेकिन अब चटनी के साथ खा के देखते हैं। देखो प्यारे चटनी वाला खट्टी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा तंदूरी मोमोज के लिए ठीक चटनी है, क्योंकि अगर देख सकते हो ये तंदूरी मोमोज के साथ मिली है और ये स्टीम मोमोज पर मिला, तो अगर चटनी बहुत अच्छी लगी तंदूरी मोमोज के साथ। और अगर इसके साथ हम प्याज भी खाते हैं, तंदूरी मोमोज प्याज बहुत अच्छी लगती है। मैं वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा। 300 सब्सक्राइबर जल्दी से पहुँचना, बाय।